नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। आप तमाम दर्शकों को एक सूचना देनी है कि न्यूज लॉन्ड्री हिंदी आप एक अलग वेबसाइट के रूप में मौजूद है। पहले यह इंग्लिश वेबसाइट का एक हिस्सा हुआ करता था। यह सब मुमकिन हुआ आपके सहयोग से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, क्योंकि हम अगर किसी से विज्ञापन लेंगे तो उनके हिसाब से खबरें हमें दिखानी पड़ेगी। हम आपके सहयोग से चलते हैं ताकि हम आपके लिए खबरें पहुंचा सकें। न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की नई वेबसाइट आ रही है तो क्यों नहीं आप दर्शकों तक कुछ नया पहुंचाया जाए, इसलिए हम एक बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मुझे नहीं लगता कि पंकज सर के बारे में मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आजकल कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई कोई भी सीरीज आए या कोई फिल्म आए, पंकज सर जिस भी फिल्म में होते हैं वो अपनी एक पहचान, वो डायलॉग हर फिल्म और हर ओटीटी सीरीज में वो एक डायलॉग छोड़ ही जाते हैं। तो सर, पहले तो न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। शुक्रिया वसंत। तो बातचीत की शुरुआत हम इसी से करते हैं कि जब भी आपके बारे में बातचीत करते हैं या मैं आपके बारे में सोच रहा था या कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं तो किसी न किसी रूप में गाँव वहां मौजूद होता है। कोई आपसे सवाल पूछ देता है या आप भी बातचीत में गाँव को लेकर आते हैं, तो आपके लिए गाँव क्यों जरूरी है और आपके लिए गांव क्या है? मेरे लिए गांव क्यों जरूरी है और गांव क्या है, बड़ा कठिन सवाल है। गांव कभी कभी मेरे लिए रूट लगता है जो जड़, और कभी कभी रोमांटिसिज्म लगता है। और कभी कभी मेरे डीएनए आरएनए में मिला हुआ लगता है। जैसे घर के पीछे की नदी है, मैं कल ही बोल रहा था कि वो नदी अब जितना गांव में नहीं बहती है उससे ज्यादा मेरे भीतर बहती है। अब गांव में सूखने लगी है वो नदी। गांव अब वैसे नहीं रहे भारत के गांव जैसा, जैसे गांव हम सोचते हैं या हमें लगता है कि एक आदर्श स्थिति वाली गांव नहीं है वैसे गांव। गांव में जाता हूं तो मैं 5-6 दिन में डिसअपॉइंट भी होता हूं। क्या बदलाव आप देखते हैं और क्या ऐसा लगता है कि गांव को रोमांटिसाइज करना जरूरी लगता है क्या? गांव के लोग जो बदलाव पूरी दुनिया में आया है ना, उसी का एक छोटा प्रारूप, उसी का एक थोड़ा बदला हुआ रूप गांव में है। गांव के लोग बहुत जरूरत से ज्यादा चतुर हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं। पहले मुझे याद है कि गांव के किसी एक घर में आयोजन हो तो लगता था कि उस घर का आयोजन नहीं है, पूरे गाँव का आयोजन है। कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, तो अब जो सुर सबका समान रहता था वहां भी सुर बदले हुए हैं। इंटरनेट मोबाइल पहुंचने से, जो इंटरनेट मोबाइल संचार मीडियम ने जो प्रभाव शहरों में नगरों में पैदा किए हैं उस वो लगभग अब धीरे धीरे गांव में हो रहे हैं जी। तो यही बदलाव है। अब मुझे मेरे गांव का एक इसी दफे की घटना है, मुझे मेरे गांव का एक लड़का, मेरा छोटा भाई जैसा ही है और बहुत स्नेह है मेरा, मुझे समझा रहा था और मैं बोला कि यार तुम्हें क्या लगता है जीवन में मेरा और तुम्हारा अनुभव में हम दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा अनुभव किसके पास होगा जी। तो उसने बोला मेरे पास होगा, आपके पास नहीं होगा। मैं बोला फिर जय हो, बहुत बढ़िया, सही हो तुम। जब मनोज वाजपेयी की बात जब भी आती है आप भावुक हो जाते हैं और आप कहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो थोड़ा आप अपना और मनोज वाजपेयी का अगर बताएं कि कैसे क्या अभी संबंध रहे हैं और क्रेडिट जिस दौर में लोग एक दूसरे की कहानियां चुरा ले रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें आती है हम लोग देखते हैं, उसमें आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं जबकि आपको भी पता है कि आपकी बहुत मेहनत है। ऑफ कोर्स मेहनत नहीं, क्रेडिट देखो आप क्या होता है जीवन में, एक एक कहीं ना कहीं कुछ तो इंस्पिरेशन आप होते हैं ना, प्रभाव मतलब प्रेरणा तो मिलती है ना कि यार मुझे जब दिखा कि बेतिया से खबर आई थी कि बेतिया उन दिनों अखबार में सत्या के टाइम पे, तो बेतिया का कोई लड़का गया अभिनेता बनने, तो एक आपको लगता है ना कि मुश्किल काम नहीं है, असंभव काम नहीं है। अगर वो गंडक के उस पार का कोई लड़का जा सकता है तो इस पार से क्यों नहीं जा सकता है, मतलब ये नामुमकिन नहीं है। तो जीवन में कई बार आपको लोग, किताबें, यात्रा के दरमियान ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको कुछ इंसाइटफुल, कुछ प्रेरणा दे के चला जाएगा, पता नहीं चलता है। आप रिसीविंग एंड पे रहो, आप लेने के एंड पे रहो। हम अपना रिसीवर बंद कर देते हैं आज के दौर में,
तो मनोज भैया की जर्नी ने वैसे ही प्रभावित किया कि यार वहां वो जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। सर आप जहाँ के रहने वाले हैं वहां पे मुझे याद है जब हम लोग थोड़े बड़े हो रहे थे तो जामो में सिनेमा हॉल बन रहा था, बन रहा था, दो सिनेमा बने थे। हाँ तो वहां पे फिल्म स्टार या फिल्म मेकर जो भी, मतलब हम निर्देशक को तो जानते भी नहीं थे, हम अपने समय में नहीं जानते थे, आप तो आप हमारी पहली पीढ़ी है, हमसे पहले की पीढ़ी है, तो आप जब एक्टर्स को देखते थे अपने बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में, तो आप क्या सोचते थे? हम लोग सोचते थे कि ये असली में सब कुछ हो रहा है, बाद में मुझे पता चला कि यार ये सब तो शूटिंग होता है। आप क्या सोचते थे? आप भी ऐसे ही सोचते थे? हाँ, हम भी, मैं मुझे याद है 9th में पहली बार वीडियो लगा था। वो तो माधोपुर में बना भी नहीं था, वो तो हमारे 10th के बाद बना था जामो में। एक प्रकाश टॉकीज और एक दूसरा क्या, दोनों बंद हो चुके हैं वापिस। जी अब एक बेकरी बन गया है शायद, उसमें ब्रेड बनने लगा है। तो मुझे वीडियो पे एक किस्सा याद है, अंधा कानून देख रहा था फिल्म, तो मैं पोस्टर में घुस गया उसमें। मुझे लगा अंधा कानून यानी अंधे का नमक, अंधा कानून पूरे पिक्चर में अंधा का नून। बोले यार ना अंधा कोई आया ना नून की बात हुई। पिक्चर खत्म होने के बाद वापस पोस्टर देखने लगा, तब मुझे लगा कि ये तो कानून है, एक साथ है, अंधे का नून हम समझ जी लिए थे। तब आप पटना आए, आपने एक होटल का कोर्स किया, बीच में आप पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, कब आपको लगा कि हाँ अब मैं, मतलब मुझे एक्टर बन जाना चाहिए, मुझे बनने की कोशिश पटना करनी पटना चाहिए? आने के होटल के जॉब के दरमियान जब थिएटर सीरियस थिएटर करने लगा लगातार रंगमंच, तो मुझे मैंने तय किया कि यार अब एक्टिंग ही करना चाहिए और इसी से रोजी रोटी चल जाए तो मजा आ जाए। होटल के दरमियान 1998-99 में पटना में, अच्छी बात है, पढ़ाई का कल्चर है, संगत है, तो पता चला हम लोग चेखव को, कालिदास को, अज्ञेय को, रेणु जी को, नागार्जुन को, न जाने जितने लेखक है हिंदी के और बाहर के जो रूपांतरित मतलब अनुवाद आते थे किताबें उनको, तो पढ़ने का चलन था। और पढ़ते पढ़ते लगा कि गुरु अगर अभिनय अब करना है सीरियसली, इसी काम से अगर रोजी रोटी चल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि इसमें ओवर टाइम नहीं लगता, इसमें थकते नहीं है, इसमें भागने का मन नहीं होता कि अब घर चले जाए। जब आप आर्ट एंड कल्चर के सर्कल में एक गंभीर दर्शक बन जाओ, और सुधी दर्शक और गंभीर दर्शक, तो रंगकर्मी और कलाकार भी जानने लगते हैं यार ये लड़का हमेशा आके दूसरी लाइन में बैठ जाता है बिना नागा किए, तो वो भी मुस्कुरा देते हैं आपको देख के। उनको मालूम है कि यार ये डेली रेगुलर ऑडियंस है, ये हर परफॉर्मेंस में, ये आर्ट एंड कल्चर वाली हर गतिविधि में ये लड़का चुपचाप साइकिल लगा के खड़ा रहता है। तो वही गांव से आया हुआ बालक, कॉटन का पैंट, कॉटन का शर्ट पहना, हवाई चप्पल पहने, साइकिल, साइकिल स्टैंड वाले ने मुझसे पैसे लेने छोड़ दिए थे कालिदास संग्रहालय के, तो उनका नाम है सुनील भाई। जी क्योंकि लगता था यार तुम तो रोज आते हो, अब तुम्हारे जैसा दर्शक चाहिए हमें, तुम मत दो पे। 1 रुपया फी था आई थिंक साइकिल स्टैंड का, वो भी जी मेरा माफ था। एनएसडी के दिनों की बातें बताएं हमें कि क्या, कैसे आप दिल्ली में रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके से प्रैक्टिस हुआ करता था, क्योंकि हम लोग नाटक तो देख ही रहे हैं लेकिन एक्टर कैसे तैयारी करते हैं, कैसे उनको ट्रेंड किया जाता है, थोड़ा अगर बताएं। वो बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, मतलब एक्टिंग ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है उसमें। और एनएसडी की ट्रेनिंग अभिनेता बनाने से ज्यादा अच्छा आदमी बनाने की ट्रेनिंग है, कि आप जब अभिनेता, मतलब क्या कि हम किरदारों के दुख को, किरदारों के दर्द को, किरदारों के कॉन्फ्लिक्ट को, उनके मनोदशा को, उनके ऊहापोह को, उनकी दुविधा को, उनकी ईर्ष्या को, उनके प्रेम को समझते हैं, तो जब आप दूसरे के मनोभाव को समझने लगते हैं तो आपको, आप अपने से बियॉन्ड जाके सोच रहे हैं दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी परिस्थितियों के बारे में, तो आप खुद थोड़े समृद्ध होते हैं, थोड़े धनी होते हैं। जब हम किसी छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, तो हमारे पास उतनी जानकारी नहीं होती है, हम उतने सारे चीज नहीं पढ़े होते हैं, नहीं देखे होते हैं। जब हम आते हैं तो कॉलेज में कोई बहुत समृद्ध परिवार से आया, समृद्ध जिनके आर्ट कल्चर का पूरा एक माहौल रहा है, तो आपको उस पर थोड़े एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी अपने क्लासमेट के बराबर आने में या उनसे नहीं नहीं थोड़ा? नहीं 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 मैं जानता था कि मेरे से, इनके पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो मेरे से भिन्न है, मेरे से ज्यादा नहीं है, मेरे से अलग है, मेरे पास जो है वो इनसे अलग है। तो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ तुम मुझसे ले लो, और जो तुमसे मुझे चाहिए वो हम इंटर एक्सचेंज करते थे, अपने थॉट, बातचीत, ख्यालात। यही तो खूबसूरती है ना, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का आया है तो वो तो कुछ तो अपना अनुभव लेके आया है। इस संसार में बिना अनुभव का तो कोई व्यक्ति नहीं है।
तो जो हमारे पास अनुभव है हम तुमसे शेयर करते हैं, तुम अपना वाला अनुभव हमें शेयर करो, कल्चरल एक्सचेंज तो ऐसे ही होते हैं ना। तो मुझे कभी उसमें मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ी और ना ही वो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं कम जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ। लगा कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो और तुम जो जानते हो मैं नहीं जानता हूँ, तो आओ बैठ के हम दोनों एक दूसरे की जानकारी का आदान प्रदान कर ले। आपने कहा ना कि अगर हम किसी ऐसे नए पथ पर जाते हैं तो उबड़ खाबड़ रास्ते तो मिलेंगे ही, हमें उसको चलने लायक बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो उस दौरान निराशा भी तो होती होगी सर, तो उससे कैसे आदमी उलझे और उसको कम करे? आपने कैसे, क्या रास्ता यार अपनाया था? मुझे ना जब ये लोग सवाल करते हैं कि उस समय निराशा होती होगी, हताशा होती होगी, हार जाते होगे, जब ये सवाल आता है तो मैं सोचने बैठता हूँ कि यार ये होता था क्या मेरे साथ, कुछ मैं क्या करता था, मुझे सच में मेरे पास अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम था क्या, मुझे बहुत हताश होना चाहिए था, मैं तो हुआ ही नहीं हूँ। तो अब सवाल पूछते हैं तो लोग, मैं थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ कि यार बहुत चिंता का दौर था जिसमें मेरे अंदर चिंता थी ही नहीं। तो मेरे पास बहुत बिल्कुल दुख भरी कहानी नहीं है कि मतलब मैं कभी प्लेटफॉर्म पे सोया और एक शोरूम के बाहर में एक कपड़े को देखता था और मैं खरीदना चाहता था नहीं खरीद पाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी, हमारे हिंदुस्तान में एक्टर और मतलब हीरो की एक छवि है ना कि गुड लुकिंग और बॉडी सॉडी। तो कई बार लोग बताते हैं कि अमरीश पुरी, ओम पुरी या नसरुद्दीन शाह को लोग कहते थे कि आप ऐसे, आप फिल्म एक्टर लायक या अभिनेता लायक लाइक नहीं है, आपका चेहरा ऐसा है। आपको कभी किसी ने ऐसा बोला तो नहीं? नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। नहीं मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप तब जानते ही नहीं थे, आप बोलते हैं कि तुम एक्टर जैसे लगते ही नहीं हो। तो मैं यही चाहता था कि मैं एक्टर जैसे ना लगूं, मैं बिल्कुल आप क्यों हाँ, चाहते थे? क्योंकि मुझे लगता है एक्टर जैसे एक्टर भी तो यही प्राणी होते हैं ना, वो कुछ अलग थोड़ी होते हैं किसी और ग्रह के आए हुए लोग, कि वो उनका मतलब ऑक्सीजन का सिस्टम डिफरेंट होता है उनका, सब तो कॉमन ही है ना, हम सब तो साधारण लोग ही है ना, मतलब बेसिक जो जो 5-6 प्रजाति के दुनिया में ह्यूमन है उसी में से किसी एक में से हम भी है। तो मुझे अतिशयोक्ति होना या ये जानना कि मैं अभिनेता हूं या मैं कलाकार हूं तो मैं थोड़ा बाकी लोगों से अलग हूँ, नहीं अलग नहीं हूँ, बिल्कुल साधारण हूँ, वैसा ही हूँ, मेरा काम है ये।